तो स्वागत है आपका अलग ही ज्ञान YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी और दुनिया के सबसे जाने माने खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच में। तो बने रहिए वीडियो में और शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करें अगर इनके घर के बारे में, तो इनका मुंबई में एंटीलियन नाम का एक बहुत बड़ा घर है जिसमें 27 फ्लोर हैं और जिसकी ऊंचाई लगभग 173 मीटर है और इस घर की कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। वैसे तो इसकी ऊंचाई जितनी है उसमें इससे दोगुने फ्लोर बनाए जा सकते थे, लेकिन इन्होंने इतनी ऊंचे फ्लोर्स बनवाए हैं जिससे कि उनमें सजावट बहुत अच्छे से की जा सके, कोई परेशानी ना हो, इसीलिए इन्होंने अपने घर की ऊंचाई ज़्यादा रखी है। और इनके इस घर की देखभाल करने के लिए इन्होंने 60 वर्कर्स भी रखे हुए हैं और जिनमें से हर एक वर्कर की सैलरी लगभग 2 लाख के आसपास बनती है, तो जिस वजह से ये सिर्फ वर्कर्स को ही करोड़ों रुपए देते हैं। और अगर हम बात करें रोनाल्डो के बारे में, तो उनका स्पेन में एक बहुत ही आलीशान बंगला है जिसकी कीमत लगभग 144 करोड़ रुपए है, जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों में स्विमिंग पूल की व्यवस्था बनाई गई है। और इसी के साथ साथ इन्होंने बच्चों के खेलने के लिए भी एक अलग से जगह बनाई गई है और इनमें इनकी ट्रॉफीज़ को रखने के लिए इन्होंने एक अलग से कमरा भी बनाया हुआ है। और इसी के साथ साथ रोनाल्डो के और भी कई घर हैं जिनमें पुर्तगाल का भी घर शामिल है जिसकी कीमत 60 करोड़ रुपए है और इनका एक ट्रंप टावर में भी एक आलीशान घर बना हुआ है जिसकी कीमत 135 करोड़ रुपए है। तो अब बात कर लेते हैं इनके कार कलेक्शंस के बारे में। तो मुकेश अंबानी के पास 150 से भी ज़्यादा लग्जरी कार हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है, जिनमें है मर्सिडीज़ बेंज 660 गार्ड जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है, मर्सिडीज़ वेवेस 62 जिसकी कीमत 5.2 करोड़ रुपए है, बेंटले बेंटेगा जिसकी कीमत 7.6 करोड़ रुपए है, रोल्स रॉयस फैंटम ड्रॉप हेड कॉप जिसकी कीमत 7.6 करोड़ रुपए है और रोल्स रॉयस फैंटम जिसकी कीमत 9.5 करोड़ रुपए है। और इनके पास एक वैन है जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए है, जिसके अंदर एक चलता फिरता लग्जरियस हाउस है। और इनके पास 2 प्राइवेट जेट्स भी हैं जिसका नाम बोइंग बिजनेस जेट है और जिसकी कीमत 535 करोड़ रुपए है। और इनका जो दूसरा जेट है वो है फैलकन 900 EX जेट, शायद ही कोई ऐसी सुविधा होगी जो इस जेट में नहीं मिलेगी। तो ये तो हुआ मुकेश अंबानी के बारे में। अब बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो रोनाल्डो के पास भी दुनिया की सबसे महंगी कारों के कलेक्शंस हैं जिसमें से हर एक की कीमत करोड़ों में है, जैसे बुगाटी जिसकी कीमत 75 करोड़ रुपए है और इनके पास एक फरारी भी है जिसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए है, फरारी एफ टॉयड जिसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपए है। और इनके पास भी ऐसी ही कई कार हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। और बात करें सोर्स ऑफ इनकम की, तो मुकेश अंबानी की सोर्स ऑफ इनकम उनकी कंपनियां हैं, जैसे उनकी रिलायंस कंपनी जो कि पेट्रोलियम कंपनी है, विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस जो कि मेडिसिन वगैरह बनाने का काम करती है, और इसी के साथ इनकी रिलायंस जियो की कंपनी भी है जिसके बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। इनकी और भी कंपनियां हैं जिसमें से एक है रिलायंस सोलर पैनल जो कि सोलर पैनल का निर्माण करती है, जिस वजह से ये अरबों रुपए कमाते हैं। और अगर वहीं बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में, तो इनके इंस्टाग्राम पर 395 मिलियन फॉलोअर्स हैं जो कि एक पोस्ट करने के 7.5 करोड़ रुपए लेते हैं और रोनाल्डो ऐड करने के लिए भी 10 करोड़ रुपए ले लेते हैं। और इन्होंने नाइकी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिससे इन्हें 7.5 करोड़ रुपए मिले थे। और स्पोर्ट्स में इतने बड़े लेवल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले रोनाल्डो पहले इंसान हैं। और तो और इन्होंने अपनी एक कंपनी भी लॉन्च की थी जो कि CR7 नाम से थी। और इनकी कुछ और कंपनियां भी हैं जैसे CR7 हेयर ट्रांसप्लांट। और तो इन्होंने पुर्तगाल के सबसे बड़े होटल के साथ मिलकर अपना खुद का होटल भी लॉन्च किया है जो कि है CR7 होटल,
जिसमें इन्होंने 550 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। और अगर आप बात करें नेटवर्थ की तो मुकेश अंबानी के पास 45 खरब रुपए हैं। और अगर फिर हम बात करें रोनाल्डो के बारे में तो उनके पास 40 अरब रुपए हैं। वैसे इसके लिए अभी कोई ठोस प्रूफ नहीं है, तो इसके लिए अभी हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो मुकेश अंबानी के पास NSG गार्ड तैनात रहते हैं और इनके पास इनके खुद के गार्ड्स भी हैं। और इसी के साथ साथ एक ऐसी स्पेशल टीम भी है जो कि हर खतरे का पता लगाती है। और अगर बात करें रोनाल्डो की सिक्योरिटी के बारे में तो इनकी सिक्योरिटी के लिए भी गार्ड तैनात रहते हैं और इसी गार्ड के साथ साथ इनके साथ बुल फाइटर्स भी चलते हैं जो कि आम बुल्स को आराम से हरा लेते हैं, तो वो भी इनकी सिक्योरिटी में इनके साथ रहते हैं। तो ये था आज का कंपैरिजन वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप लाइक कर सकते हैं वीडियो, आपको पसंद आए हो कमेंट करके ज़रूर।